गाड़ी भी लाल लाल तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है इक्कू, आप देख रहे हैं मिस्टर इक्कू ब्लॉग्स, और मैं बिलोंग करता हूँ पलामू के एक छोटे से गांव पाटन से। सो गाइस, मास्क उतार लेते हैं अभी। तो आज सुबह उठे, सुबह उठने के बाद मुकेश बोला कि एक नया पार्क खुला हुआ है डाल्टनगंज में, तो अभी हम निकलने वाले हैं डाल्टनगंज में वही पार्क को देखने कैसा है क्या है आप लोग को दिखाने। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। आज का मौसम देख लीजिए, कुछ मौसम कुछ इस प्रकार सा है, बादल बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि रास्ते में पानी होने लगे, लेकिन हम और ये निकल गए हैं। सो गाइस, मुकेश गया हुआ था अभी घर पे और वहाँ से आ गया है, देख लीजिए। और हम और मुकेश अभी निकलेंगे जस्ट डाल्टनगंज का न्यू पार्क में, कैसा है क्या है आप लोग को दिखाते हैं वहाँ जाने के बाद। तब तक वीडियो में बने रहिए एंड तक, और मज़ेदार ब्लॉग बनेगा क्योंकि साथ में है मुकेश विधायक। तो अब ये गाड़ी में बैठ गया है और हम आपको दिखाएंगे। चलिए, मौसम हो सकता है कि रास्ते में पानी होने लगे, बारिश होने लगे। देखिए मौसम किस टाइप से है, इस टाइप से मौसम है कुछ, और कैमरा भी सही आ रहा है, मज़ा आ गया। लेकिन चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बन रही है एंड तक। हमारे घर तरफ बादल था, अभी तक सूरज निकल रहा है और मौसम ऐसा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एक और बात, कुछ दोस्त लोग भी आ सकते हैं डाल्टनगंज यानी डीटीओ से, कुछ दोस्त लोग आएंगे साथ में पार्क में घूमने के लिए, तो वो कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकते हैं। इधर देखिए सूरज की रोशनी और बादल का कुछ इस टाइप का सीन, इधर मुकेश और इधर हम, दिख रहा होगा वीडियो में, अच्छा ही दिखते हैं। सो गाइस, अभी जो दोस्त लोग आने वाले थे वो यहीं पे रुकने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं, वो लोग बोले कि सुतना का पेट्रोल पंप पे रुकिएगा, देखते हैं पहुंचने वाले हैं हम लोग सुतना पेट्रोल पंप, रोकेंगे आगे जाके गाड़ी और वेट करेंगे उन लोग को, उन लोग को लेकर चलेंगे हम लोग न्यू पार्क। उस पार्क का हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, हम उस पार्क का अभी तक नाम नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि बस जानते हैं कि नया पार्क है, स्टेशन है और उसका जगह मालूम है, नाम नहीं मालूम है। और मुकेश भी पहली बार जा रहा है, हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो पहला रिव्यू देंगे हम अपना। मेरे हिसाब से गाड़ी बंद हो गया था लेकिन चालू हो गया है। अच्छा, अभी हम उन लोग को कॉल करेंगे, कहाँ है ये देखिए पेट्रोल पंप, तो सुधना पेट्रोल पंप यही है, तो हम उन लोग को जाकर कॉल करेंगे कि उन लोग कहाँ पे है, फिर आप लोग को दिखाएंगे। बस 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 बस, मुकेश मोनू के इंतजार में बैठा हुआ है, देखिए बुलेट लगा दिया है और बैठा हुआ है, कुछ बोलना चाहेगा उसके लिए? उसको आ जाना चाहिए था। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, उसको आ जाना चाहिए था। हम दूसरों को वेट कराते हैं, पहली बार किसी को नहीं वेट कर। ओह मोनू भाई, सुन लिया आपने? हाँ तो सुनिए और यहाँ मत लीजिएगा, कहा है कि हम मजाक करते हैं, कहा है कि मुकेश मजाक करता है। सो गाइस, कुछ देर में आ ही जाएगा, कॉल पे बात हुआ अभी। वैसे भी दोस्त लोग से ले 5 मिनट रुके जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा जी, सबसे इसीलिए दिल पे किसी बात को ना लिया जाए, बिकॉज ये सब जलवा हमारा। A few moments later, क्या हुआ मुकेश? अभी जो हम बात बोले थे कि दोस्त के लिए 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए, हाँ बोल रहे थे कि बात को सीरियस ना लिया जाए, हाँ उस बात को अब सीरियस लिया जाए। क्यों? क्योंकि इतना देर वेट नहीं करना चाहिए दोस्त से, चाहे कोई
कुछ ज्यादा हो गया। थोड़ी धूप में रहते रहते करिया हो जा रहे हैं सब, कोई वेट करा करा के सो गाइस बात भी सही है, 15 मिनट हो गया, वो बोला था 5 मिनट में हम आ जाएंगे और 15 मिनट हो गया अभी तक, अच्छा पता नहीं है, नहीं उधर से आ रहा है नहीं इधर से आ रहा है। और ये पेट्रोल वाले भैया हमें काफ़ी देर से देख रहे हैं। हमको ही बताओ हाँ, अगर उधर से आना रहता तो हम लोग को आओ आगे नहीं बुलाता, वो आएगा इधर से, समझ गया इधर से आएगा। आइए हमारा टीवी टावर, मतलब हमारा सबका सबका टीवी टावर है, हमारा नहीं, हम लोग का होगा लेकिन मेरा नहीं। अरे डर यही नहीं, अभी और सुनिए गाइस, फाइनली मेरा दोस्त आ चुका है, वो देखिए सामने है और ये निकलता है बुलेट। चलो अगला, अरे गोविंद हाय, बहुत गोरा जी के देखो मुंह के मोनू, क्या बात है मस्त है। अरे सर हाथ मत मारा, छोड़ दे, बेइज्जती लगता है सही में। देखिए जबरदस्ती के बाद भी इसको इज्जत नहीं है। अरे इज्जत अभी तुम लोग के सामने कोई नहीं बोल रहा है, कैमरा के सामने कोई नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, चाका निकल गया कहाँ निकल गया चाका, अल्लू का घर चाका निकल गया, बैग अल्लू का घर चाका निकल, सही में कैसे निकल गया चाका, कैसे निकल गया चाका, एकदम 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 आप एकदम अल्लू का घर है और कह रहे हैं गाड़ी की चाका निकल गया, एकदम झूठ पे झूठ बोल रहे आ रहे हैं। हाँ वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल अब। अरे एयरटेल है, वीडियो कॉल नहीं जाएगा, एकदम नेट नहीं चलता एयरटेल एकदम एकदम अलग वाला लेके तेरी काका पहनवा दे रहे हैं लहंगा चोली पहन, झुमका हां झुमका कान के झुमका पहना जा रहा है। बोलो मुकेश कुछ जल्दी आवा, इतना कुछ सुनने के बाद मेरा बहुत दिल दुख गया, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, मेरा बोल के हुआ है चाका निकल गया, मोनू का बात सुनो ना आप लोग, क्या जबरदस्त बोला, चक्के निकल गया है, झूठ पे झूठ उन लोग बोले जा रहे हैं, देखते हैं कितना देर और रुकना पड़ेगा, आधा घंटा रुक गए हैं अभी, पंद्रह मिनट इसमें आधा घंटा उन लोग में रुकेंगे, रात ही हो जाएगा। अरे मतलब मैंने ये नहीं पता कहाँ रुकल है, कहाँ बोल उदयगढ़ जाना तो बोले तुम, बस पे बैठा देते हैं, चक्का सही में निकल गया गाड़ी के, गाड़ी गाड़ी ठोका रहा है गाड़ी के चक्का सच में निकल गया है, गाड़ी के चक्के निकल गया है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, गाड़ी का चक्का सच में निकल गया है। मुकेश अरे बोला और ना आलोक अपन दादा के चश्मा लेके आया है, दादा के उनके नहीं, अपन दादा के चश्मा लेके आया है, मेरा मुकेश बहुत तेज है अपना बेटा का, हम वेट कर गाड़ी का चक्का सच में निकल गया है, गाड़ी का चक्का सब निकल गया, कैसे निकल गया, गोरा हो गया काफी काला आ रहा है वीडियो में, लेकिन रियल में बहुत गोरा दिख रहा है, अभी बात झूठ है लेकिन क्या बोले, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वाकई में गाड़ी खराब हो गया था, गाड़ी का चक्का निकल गया था और अरे मोनू निकल गया, हम लोग डायरेक्ट निकलते हैं वहाँ पार्क में, मेरे सन्नाटा सारा दोस्त लोग आ गया है और मुकेश भी आ गया है, चलिए चलते हैं ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, उम्मीद है काफी मजा किए होंगे इतना ही में, अभी और आगे मजा होगा पार्क में जाने के बाद। तो हेलो गाइज, अभी देखिए रोड इधर बन रहा है,
काम लगा हुआ है, रोड बन रहा है और इसी रास्ते में है। भाई लोग भी आ गए हैं, मुकेश भी यहाँ है। गोविंदा की आदत है पीछे से, वो ना हमेशा बाल को ऐसे से करते हैं और बाल करने के बाद ऊपर बाल को रगड़ देते हैं। रगड़ते रगड़ते उसका यहाँ पे जो है टंटोला उठ गया, छिल गया है मार्क्स। ये देखिए, ये बैच है सेकेंड स्कूल का और ये रहा हमारा चाय सुट्टा बार। विजिट कराएंगे, टाइम है इसमें भी विजिट कराएंगे आपको। ये ऑन वे हो गया, फिर टू वे हो जाएगा। वन पहले एक ही रास्ता था। अभी भाई ये छोटी सी भीड़ भड़ा के चप्पल का दुकान मेरा दुकान नहीं है, कपड़ा का। I want to say that कपड़ा का। ये वो गांजी लेंगे दोस्त, ले लेना ब्लू कलर के। अच्छा पीपी लिली होई, आपको मतलब लुक काफी अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए गाइज, हम लोग आ चुके हैं फाइनली। ये देखिए लिखा हुआ है गांधी उद्यान। सो फाइनली उद्यान गांधी उद्यान 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 अच्छा। तो काफी सीखने को मिला और अभी आए, अभी तुरंत नाम पता चला हमको कि इसका नाम गांधी उद्यान है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर। चलो मुकेश लॉक कर दो। अरे नहीं होगा, चोरी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है मुकेश, गाड़ी का लॉक वाला देख रहा है भाई। नहीं नहीं लगा दो ना उधर करके। अरे हेलो बोल रहे भाई, अरे बुलेट लगा लो, हैंडल लॉक तुम चुरा ले आके एकदम इलो ना है ना, पता नहीं कहां लगा है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, एकदम आओ। हम लोग यहाँ पे इन लोग को दिखाने आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। चलिए हम लोग चलते हैं। गांधी उद्यान कवर करना है, कवर करना है। पैसा वगैरह नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। देखिए कुछ नोटिस है अभी कंस्ट्रक्शन में है, मुझे से मौसा का थार लगा है। अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप से लुक है और अभी जाना है। ये अभी कार्य प्रगति में है, बता दीजिए। कार्य प्रगति पे है, अस्थगित नहीं है। अभी होगा पैसा भी लगेगा, रोक के पढ़ सकते हैं। झूम करके दिखा दो, रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ आलोक का नाम दिया गया है, आलोक चौरसिया जो हमारे साथ बने हैं। आलोक चौरसिया यहाँ पे, मेरा नाम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मेरा नाम आलोक चौरसिया। देखिए पीछे का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा रहा आप लोग को। छोड़ेगा एरोप्लेन से छोटा मोटा, छोटा सा बच्चा अल्ट्रा वाला है। मुकेश जाएगा उसमें, उसमें वो देखिए मेरा ही वाला है, गांधी उद्यान के नाम से है पार्क। तो ये गांधी जी का काला कर दिया गया। करिया जी का है किया है, देखो गांधी जी बहुत धूप में रह के स्ट्रगल करते थे इसलिए करिया हो गए हैं। गांधी जी को गोरा दिखाने के लिए अगल बगल में लाइट दी। देखो देखिए और देखिए सामने सूरज और इधर को मेरे दोस्तों को सूरज नहीं है, बाकी सबको ही है, सूरज नहीं है, नया आलोक है। आलोक है
गोविंदा सिंह ये घास लगाया गया है, ये घास काफी ये है लगाया गया है यहाँ पे। हम लोग ढलमुनिया खाएंगे, देहाती गवार को ढेलमुनिया बोल रहा है। चलो अलग चलो मैं कुछ घुमा दे, बैठो सही गाइस यहाँ पे बैठो, इसमें तुम्हें घुमा दे, ट्रेन वाला है, सही में घूमेंगे। चलो ना मामा छोटा छोटा बच्चा अलाउ नहीं है यहाँ पे, इसने तो लेकिन एक बात बता दें, बच्चा तो हम भी है लेकिन हमको अलाउ। आप इसमें पैंट और शर्ट पहनाएंगे, अगर आप ये सब पॉकेट रखते हैं और इसमें कुछ ना बचाओ और थोड़ा सा बचाओ उसके बाद कुछ ना हो तो इसमें आप ऐसे बंदर को देखिए शर्ट और पैंट पहनाएंगे। बंदर है, हलमान है, बंदर काफी आप लोग एंजॉय देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। अभी भी उधर अभी दिखाना है बहुत सारी चीजें, अभी तो बस यहाँ से एंट्री मारे हो, यहाँ इतना ही दिखाए हैं, ये तो बस शुरुआत है। ओए होए वे गलत गलत बात नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं हम एडिटिंग में काट देंगे, नहीं बात नहीं हम बस ऐसी लगा हम यहां। अरे भाई गोविंदा सिंह की धर्मपत्नी मिल गई, वहां देखो अरे चश्मा लगा के वो भी आई है, रेड चश्मा, रेड करिया चश्मा, रेड पहन के। ये देखिए ये रहा पीसीसी रोड, सो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आई लव मेदिनी नगर जो कि डीटीओ का पूरा नाम है। स्केटिंग पे स्केटिंग होता है, स्केटिंग करते हैं हम लोग, चलो सर से बात कर लेते हैं। हां क्या क्या पैसा भी लगता है, काफी एंजॉय कर रहे हैं होगा। और ये पीसीसी रोड बनाया गया है मतलब स्केटिंग करने के लिए, ढलाई हुआ सीमेंट से, एकदम सीमेंट ढलाई करवाए थे गोविंद था यहां के वो ठेकेदार जो डीटीओ था डाल्टनगंज, उसका पुराना नाम मेदिनी नगर था। तो मैप है जिसको कबार दिया गया है, और वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इस टाइप से झूलर लगाया गया है जो कि चियाकी पार्क में भी आप लोग दिख रहा है, इस पार्क में नॉर्मल है ना, मलगे से उगा है इसको, चियाकी पार्क में सब नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे पैसा लिया जाता है 10 रुपया, यहाँ पे फ्री में भाई एंट्री फ्री है, यहाँ पे एंट्री फ्री है, हम लोग चियाकी पार्क में पैसा लगता है। लेकिन गाइस एक बात है कि हम लोग जैसे बूढ़े, इन लोग जैसे बूढ़े इसमें नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बस पिक लेके जा सकते हैं, खेल नहीं सकते बिकॉज ये बच्चों के लिए बनाया गया है। और कल पार्क बंद था, आज खुला है। अरे हम आए थे खुलवा दे, फोन करके फोन करते ना 3-4 बार, मोनू का इतना कॉन्टैक्ट है कि फोन करके खुलवा दे रहा है गाइस। अब वैसे मुकेश के मौसम आईबे की है तो क्या दिक्कत है, एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सारे लोग 4x34 कपल लोग, आपके फैमिली रिलेटिव्स लोग सारे लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। अभी फ्री है, अभी न्यू खुला है तभी फ्री है, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद, और इन लोग साथ में है तो और मजा आ रहा है। हम लोग अभी थोड़ा चल गए थे दूसरे मनाली, चल गए थे मनाली, हम लोग चल गए थे। तुम बोलो मैं गोरा किसने को पाउडर लगाई ले है, आओ एक बात, और हम लोग देखिए हम लोग वीडियो में सुनो, हम लोग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हम लोग मनाली चले गए थे घूमने। और पता है ये जो चश्मा पता है कौन सा ब्रांड का है, देखिए दो को चूड़ी चश्मा खरीदा, दो चूड़ी यानी इसके मौसी दिए हैं, हां दो को चूड़ी चुरा लिया है। सही, चलिए अभी आपको बस इतना ही, ज़्यादा धूप नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे कदम कदम पे आपको लगभग खुशहालियाँ मिलेगी, कदम कदम पे खुशी मिलेगी, कदम कदम पे यहाँ पे लाइट फुलझड़ियाँ, मतलब बहुत सारी चीजें मिलेगी, पापा की परियाँ पे। एक और बात की, और सबसे बड़ी बात हमने का पैसा लेते हैं, कैसा कैसा दिखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा बात यहाँ पे बेंचेस वगैरह काफी है, मतलब लग रहा है कि 100 बेंचेस लगाए गए हैं बैठने के लिए करीब लगभग 100। और यहाँ पे एक बात नोटिस की है कि पापा की परियाँ कितनी भी गोरी क्यों ना हो विदाउट फिल्टर फोटो नहीं ले सकती, लाइक खुद पापा के परी से अभी थोड़ा देर पहले पूछे, वेरी गुड जान, मोटा पैसा छोरी चला, 20 का नोट 20 रुपए लेकर पूरा चिल्ला रहा है दोस्तों, देख सकते हैं अरे खर्चा नहीं करता, अरे तू गाने सुन ले। और यहाँ पे लाइट्स लगाए गए हैं, और ऊपर से छतरी, इसे छतरी बोला जाता है ना, जो भी हो बड़ा छतरी, दादा गरमा का ये दादा किसी पे भड़क भड़क गए हैं दादा, यही छोड़ा जमा
वहाँ पे हम आई लव मेदिनी नगर जाके वहाँ पे बहुत सारे फोटो लोग क्लिक करवाते हैं। हालांकि मेदिनी नगर से किसी को लव है नहीं, बस वो शो करवाने के लिए आई लव मेदिनी नगर और उसके बाद वहाँ पे फोटो क्लिक करवाते हैं। ऐसा मतलब देखे हैं बहुत जगह काफी सारे झूले हैं, काफी सारे झूले लगे हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा क्योंकि इन लोग साथ में है तो और भी फन करते ही जा रहा है, फन कर ही रहा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा ही मैं इतना। ये मेरे भाई लोग भाई सब्सक्राइब कर ला बोल देते भाई, अरे ब्लॉग बनाते हैं बोल देना ब्लॉगर। हाँ भाई, हाँ भाई, हम इसको जानते नहीं लेकिन हम शुरू में ही बोले थे कि इसका कुछ इज्जत नहीं है, इसको कोई नहीं है कुछ, हम लोग इसको खाली बात करने के लिए। मेरा दोस्त है, कुछ नहीं है, कैमरा साफ करवाया है, स्टोरेज फुल है। ज्यादा बड़ा एरिया में ये पार्क नहीं है, बट छोटा सा एरिया में काफी चीजें इसमें क्या की गई है, एडजस्ट किया गया है। अभी धीरे धीरे हो ही रहा है, काम चालू ही है। उधर उधर ऑर्केस्ट्रा होगा वहाँ पे, काफी अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के बाद। और ये जो सबसे अच्छा हमको लगा ये घास, जो कि एक लिमिट में रखा गया है और काफी ज्यादा ये है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो यहाँ पे घास से बिछाए हुए हैं और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ये देखिए जिराफ वगैरह सारा, उधर प्लेन वगैरह है सारा कुछ, हम बैठे हुए हैं। चलो हो गया बोल दिया। और बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। और आई लव मेदिनी नगर वहाँ पे है, तो आप लोग अगर डीटीओ से हैं तो आइए आके घूम सकते हैं। प्यारा चीज हमारा वहाँ पे फ्लैग जो लहला रहा है। हाँ ये तो दिखाना ही भूल गए, ये देखिए सबसे प्यारा चीज वहाँ इंडियन फ्लैग है जो कि हमारी देश किसान हमारी जान, आई लव इंडिया इंडिया एंड आई लव मेदिनी नगर, आई लव मेदिनी नहीं लेकिन किसी को है नहीं, एंड आई लव पाटन, पाटन से भी है। जो जो लोग डीटीओ से बिलोंग करते हैं वो मतलब आइए यहाँ पर, अगर नहीं आए हैं तो डीटीओ पालन डिपेंड नहीं कर, डिपेंड हमारा वो झंडा का था जितना मस्त लग रहा है, और यहाँ पे आ सकते हैं, आइए आराम से घूम सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया तो नहीं है बट जितना अच्छा एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है और काम चालू है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है लेकिन इतना लगा कि हाँ अभी के टाइम शाम के टाइम अगर आप लोग आइएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी लगेगा कि हाँ कहीं आए हुए हैं। और मेदिनी नगर में ये छोटा सा ही गांधी उद्यान पार्क जो कि काफ़ी बहुत अच्छा लगा हमको, लगा कि हाँ अच्छा लगा कि डाल्टनगंज में ऐसा पार्क खुला हुआ है अभी। और यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग विजिट किए हैं, अच्छा सारा वीडियो वगैरह बना रहे हैं, घूम रहे हैं और हमारा इंडियन फ्लैग वहाँ लहरा रहा है, झंडा मेरा भारत महान। तो अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के बाद, अगर आप लोग डीटीओ से हैं तो आइए, और डीटीओ से बाहर के इलाके के हैं तो भी आइए यहाँ पे गांधी उद्यान पार्क में और घूमिए, यहाँ का मज़ा लीजिए। अभी फ्री है पार्क, अभी फ्री में विजिट कर सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा आनंद ले सकते हैं यहाँ का वातावरण का, यहाँ के क्या बोले जो भी सारा चीज़ का इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के झूलन, यहाँ के चीज, ये जो घास है काफ़ी सॉफ्ट है, तो सारे चीज़ का यहाँ पे ये आप लोग ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग आइए और विजिट कीजिए गांधी उद्यान पार्क में। और ये रहा मेदिनी नगर, जा रहे हम यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, उसके बाद हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और उम्मीद है ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग भी आए थे, तो उन लोग को भी थोड़ा सा उन लोग फन करने के लिए आप लोग के साथ हंसी मजाक किया काफ़ी। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।